भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। T20 में वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी अच्छा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में रविवार को तीन मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। भारत ने भले ही टेस्ट और वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को आसानी से हराया हो, लेकिन T20 में वेस्टइंडीज को हराना आसान नहीं होगा। T20 में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफ़ी अच्छा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 8 T20 मैचों में से वेस्टइंडीज ने 5 मैच और भारत ने 2 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। भारत ने आखिरी बार वेस्टइंडीज को 23 मार्च 2014 को ढाका में 7 विकेट से हराया था। इसके बाद दोनों के बीच खेले गए 4 मैचों में से 3 मैच वेस्टइंडीज ने जीते हैं और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। T20 रैंकिंग में अभी भारत दूसरे और वेस्टइंडीज 7वें नंबर पर है। इस सीरीज में टीम इंडिया के 2 बड़े खिलाड़ी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी टीम में नहीं हैं। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है। रोहित शर्मा का T20 में कप्तानी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए 9 मैचों में से भारत ने 8 मैच जीते हैं और एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।